मैग्नेटिक फील्ड बनाना, वो वाली ये होती है। अगर ये ना हो तो इसका भी फायदा नहीं है, इसका भी फायदा नहीं है। सबसे पहले ये वाली बनाई और उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली इसके बीच हमने ऐसे बना के इनको हमने डाल देना है ऐसे बीच, ठीक है। तीन आती है? नहीं नहीं, दो आएंगे अपना अपना। और एक चीज और भी है, हमने ये चीज देखना है कि जब हम डालेंगे ना क्वाइल, गैप हमने यहाँ से रखना है जैसे हमने उसको रखा हुआ गट्टी कूलिंग के लिए गट्टी आएगी, इससे क्या होगा कूलिंग होगी ऑयल को जगह मिल जाएगी ना, ऑयल वो यहाँ से जाएगा सर्कुलेशन का, जो ऑयल हमारा है अगर हम इसको पैक रखेंगे तो हमारा जो ऑयल है वो नहीं जाएगा, ऐसे ट्रांसफार्मर को उड़ने का खतरा हो जाता है। जैसे हमने इसको रखा हुआ है देख सकते हो, तो यहाँ से हमारा ऑयल जो है वो जाएगा इसके लिए, ठीक है। इसकी भी आ गई समझ आपको? तो ये अल्मोनियम यूज करते हैं कंडक्टर, कॉपर नहीं करेंगे? कॉपर भी होता है, ये तो अल्मोनियम भी होता है। कॉपर कहाँ पे करेंगे? ये अल्मोनियम, ये कंडक्टर है, यहाँ पर 400-250 का, ये भी अल्मोनियम है ना, ये भी अल्मोनियम है, नहीं नहीं अल्मोनियम वार्निश लगाई बाहर, अंदर अल्मोनियम है सर, अल्मोनियम है सर। कॉपर जो होता है वो होता है 400 में, ठीक है, 250 में, हाँ 250 और 400 के भी में, हाँ कुछ जो 250 के होते हैं वो अल्मोनियम के भी होते हैं। साइज फिर बढ़ जाएगा ना अल्मोनियम का होगा तो थोड़ा, नहीं साइज की नहीं है दिक्कत, कॉपर में असल में नहीं साइज सर, जो इसका साइज होगा वो सेम रहेगा वायर का, जो इसका साइज वायर का सेम रहेगा। अगर 13 नंबर अल्मोनियम आती है उसमें जो हमारा है 400 का, तो उसमें क्या होगा जो हमारी ये वाली कॉपर वाली कॉपर भी वो आएगी 13 नंबर ही आएगी, 13 नंबर लो वोल्टेज वाली, हाँ तो हाई वोल्टेज वाली में, हाँ नहीं 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 वो वाली हाई में आएगी, लो वाली में जो स्ट्रिप है हमारी वो वाली क्या हो वो थोड़ी सी कम रहेगी, मोटी कॉपर में कम रहेगी, हाँ, ना हाँ। इसमें डे टाइम ज़्यादा हो जाता है ना साइज, हाँ बस इसका आ गया समझ कैसे आपस में। तो इसमें लो जैसे ये आपने ये कितने के वी का ट्रांसफार्मर, ये वाला 100 का है, 100 के वी है, ये 100 के वी और ये 220, नहीं वो भी 100 का है, 100 ये 100 के है, ये लेवल अच्छा एक ही चीज है ना ये दोनों, हाँ सेम ही साइज है। इसमें इसमें जो इसका कितना नंबर बताया आपने एल्युमिनियम का, इसका है 2 नंबर, 2 नंबर एल्युमिनियम, और ये बाहर जो लगी है इसका HT वाली कॉइल, ये है 13 नंबर वाला, 13 नंबर तो अंदर सिंगल ही रोल है ये, जहाँ ये भी अंदर वाले भी दो ही रोल है, नहीं 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 ये एक ही है, ये हमने एक ही चढ़ाई है, जैसे हम उधर चढ़ाते हैं तो इसमें दो चढ़ेंगे लेकिन बाहर, हाँ इसमें आप दो भी चढ़ा सकते हो तीन भी चढ़ा सकते हो, मसला वो होता है कि आपने क्या करनी है, टर्ने जो होती है वो वाली क्या करनी है, बैलेंस रखनी है आपने, बैलेंस जो होता है वो वाली रखनी है। तो इसको बाद में कनेक्शन भी देना है फिर अलग से? नहीं नहीं ये इसका जो कनेक्शन है वो नहीं नहीं ये तो बाहर आ गया, हाँ ये वाली इनका, और इनका आपस में होगा जैसे उसी से ये जॉइंट किया हुआ है, ये जोड़ा हुआ है, यहां ये पॉइंट है, ये तो नहीं है ना तभी तो कंटिन्यूटी में रहेंगी। असल में मेरे कहने का मतलब आप सिंगल पीस भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ कूलिंग के कारण आपने दो पीस में डिवाइड किया है ना, सिंगल वाली में। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं अंदर इसकी, ये लो वोल्टेज वाले के, इसका अपना अपना साइज होता है, जैसे 100 केबी में कितने टर्न है? नहीं नहीं इनका भी 100 केबी का भी जो सांचा आता है वो अलग अलग होता है, जैसे उसका है उसका अलग है इसका अलग है, इसमें इसमें आई है कोई 260 आई है, 260 टर्न, और उसमें आई है 170 आई है, क्योंकि ये सांचा ये साइज अलग अलग होता है, ये का साइज ये आपकी LT ऐसे नहीं होगी, आप किसी LT को आप जो फिक्स है ना वो नहीं रख सको रखोगे कि आपने इसकी भी चढ़ानी है कितनी 260 और उसकी भी चढ़ानी है 260, नहीं ये सिस्टम होगा इस कोर के ऊपर होगा, कोर पे भी होगा। और बाहर वाली के कितने टर्न है? बाहर वाली के इसके इसके आगे 1800 और 1800 3600 टर्न हो गए इसमें, एक में ये भी अपना अपना साइज होगा, ये भी अपना ये नहीं कि कोर के हिसाब से होगा ना, वो फ्लक्स तो कोर ही करेगा ना, जितनी आपकी कोर होगी ना ये उसी हिसाब से होगा, कोर के हिसाब से कोर। तो इसको सीधे सीरीज में कनेक्ट कर देना, हाँ। तो लो वोल्टेज जो लो वोल्टेज है वो स्टार में है कि डेल्टा में है? जो लो है वो स्टार में होगी ना, चार तारें निकलेगी ना उधर से, हमने लगाई हुई है। तो ये न्यूट्रल का कहाँ से लिया आपने? ये है ना ये वाली हमारी आगे, इसको हमने तार दिया, ये हमारे अभी फेज आगे, तीनों फेज आगे, ये सेंटर से निकालेंगे ना इसको। अब मैं आपको समझाता हूँ, इधर ये इसका
एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट और इसका एंड पॉइंट, तीनों को जॉइन कर दिया। हमने तीनों को क्या करना है, जॉइन कर दिया।